अस्सलाम वालेकुम और पूरी दुनिया में हमारे जो प्यारे प्यारे पाकिस्तानी हैं उनको मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से वीकेंड एट ग्लोबल में खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग बड़े ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और वीकेंड एट ग्लोबल को इन्जॉय भी कर रहे होंगे, क्योंकि जब हम प्रोग्राम अपना ऑर्गेनाइज़ कर रहे होते हैं तो दौड़े लगी होती हैं यहाँ पे भाई शाजिया की और आसिफ साहब की, कि जो बेस्ट मेहमान हैं वो आपके लिए लेकर आएँ जिसमें ज़बरदस्त से आपको गाने सुनाए जाएँ और हमारा कोई व्यूअर ऐसा ना हो जो कि मिस आउट हो, भले उसका ताल्लुक बलूचिस्तान से हो, KPK से हो, पंजाब से हो, सिंध से हो। सो जो जो आर्टिस्ट हमें अवेलेबल होते हैं और जिनको आप देखना और सुनना चाह रहे होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम उन सबको यहाँ पर दावत दें और उनसे आपकी मुलाकात करवाएं। सो आज का हमारा प्रोग्राम भी ऐसा ही है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारे घर में ना एक टर्म होती थी, किसी के बारे में कहते थे और उनके बारे में कहते थे कि ये कौन है, ये कचरा सेठ है, इसलिए कि उनके पास इतना क्लटर इकट्ठा होता था कि कोई चीज़ टूट जाती थी ना तो वो उसको नहीं फेंकते थे और हर चीज़ जब उन्होंने ढेर की होती थी तो उनका नाम रखा हुआ था कचरा सेठ। तो अगर कहना होता ना किसी के घर जाना है तो एक दूसरे को कहेंगे किसके घर जाना है, आज कचरा सेठ के घर जा रहे हैं। तो मैं अभी पिछले दिनों एक घर में गई और वहाँ मैंने देखा कि जो रीसाइकलिंग चीज़ों की है ना, ये बहुत ज़रूरी और बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैंने उससे फिर सीखा ये कि मेरे पास जो भी चीज़ ज़रा सी भी ख़राब होती थी मैं उठा के फेंक देती थी, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं। फिर होता ये है कि आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं अगर आपने कचरे के ढेर में ही मिक्स करके रखी हुई है ना तो अच्छी चीज़ें भी घूम जाती हैं। और जिस घर में मैं गई वहाँ पर मैंने देखा कि अगर गुलदान भी टूटा है ना तो उन्होंने उसे फेंका नहीं, उन्होंने उसको भी रीयूज़ कर लिया, उन्होंने उसके अंदर पौधा लगा लिया। उन्होंने टायर्स अगर हमने बदले हैं गाड़ी के तो उन्होंने उसको भी रीयूज़ कर लिया, उन्होंने उसके अंदर भी कुछ चीज़ें करके तो इनोवेट किया हुआ। सो किसी भी चीज़ को अगर आपकी उससे इमोशनल अटैचमेंट है या अदरवाइज़ आप बहुत तेज़ी से चीज़ों को बदलने के कायल नहीं हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी में गैर ज़रूरी और फजूल लोगों का और चीज़ों का अंबार लगा लें। रिसाइकिल करते रहें, जो चीज़ ज़रूरी है काम की है वो रखें, इस्तेमाल करें अच्छी तरह, और जो चीज़ आपके इस्तेमाल से ज़्यादा है कोशिश करें कि उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें। और खुशियाँ ज़रूर बांटनी चाहिए क्योंकि वापस आती हैं। आज आप बड़ा खुश होंगे क्योंकि जिस आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, नंबर एक बड़ी खूबसूरत है, नंबर दो बहुत अच्छी परफॉर्मर है और नंबर तीन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट खूबसूरत आवाज़ है और नंबर चार के बहुत सारी ज़ुबानों में गाती हैं। सो आज हमारे ना हिंदकों के स्पीकिंग व्यूअर्स को लगेगा कि हमारी पसंद का सिंगर या प्रोग्राम नहीं है, ना पंजाबी ना पश्तो, बहुत सारी ज़बानें जो हैं उसमें इन्होंने गाने गाए हुए हैं। So let's meet today in Weekend at Global, Asma Rajput. Chita chola siwe darzi nahi bhule da dhole di marzi nahi bhule da dhole di marzi chita चोला लेकिन आरी कच्ची निकली ढोले दियारी चिट्टा चोला चोला आई बारो
ढोले दी मरजी, हाँ नहीं बुलेंदा, ढोले दी मरजी, हाँ नहीं बुलेंदा, ढोले दी मरजी, नहीं बुलेंदा, ढोले दी मरजी, नहीं बुलेंदा, जा जा नहीं बुलेंदा, हाँ हाँ नहीं बुलेंदा, ना ना नहीं बुलेंदा, जा जा नहीं बुलेंदा, ना ना नहीं बुलेंदा, ना ना नहीं बुलेंदा, हाँ हाँ नहीं बुलेंदा, ढोले दी मरजी। सैड सिचुएशन है कि नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी, हाँ आसमान से कह रही है नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। ऐसे देखो होना भी ऐसा चाहिए ना। अच्छा? ऐसे ही होना चाहिए, मतलब किस टेंशन में, तो आजकल आपको पता है कि कितनी ज्यादा, तो हम पे यही कहते हैं ना, मतलब जो भी है ढोले दी मर्जी, नहीं बोलता तो इट्स ओके। हाँ, तो नहीं भी कुछ होता तो भी खुश रहो, ऐसे ही है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, पता है आप माशाल्लाह इतनी यंग है और इतनी खूबसूरत है ना माशाल्लाह, मैं शुरू से ना आपको ऐसे ही देखती आ रही हूँ, आज आपने मुझे राज बताना है। ये ऐसे ही दिखने का ऐसे ही दिखने का ये आपका हुस्न नजर है, सीरियसली मैं आप कैमरा स्टाफ से पूछें नहीं, ये तो खुद पूछ रहे होंगे बेचारे, हिम्मत ही नहीं हो रही होगी। ये मुझे जाना कह रहे थे बाल ठीक नहीं है, मेकअप ठीक नहीं है, सो ये सीरियसली माशाल्लाह मैं जब से देख रही हूँ ना आपको, आप ऐसे ही हैं। आज मुझे बता दें, मुझे लगता है ये जो टेंशन ज्यादा की, मेरा इसमें उसूल ये है कि जो टेंशन देने की कोशिश करे ना उसको साइड पे कर दो। साइड पे तो आप करो साइड पे तो ऑटोमेटिकली हो जो टेंशन दे उस आंखा जरा साइड पे ना बता देना बहुत ही, लेकिन उसकी टेंशन सिर्फ नहीं लेनी जो टेंशन देने की कोशिश करे। आपने उसके अलावा भले आप कुछ कर ले, हमने उस ट्रैप में नहीं आना। मतलब कि आपकी खूबसूरती का ये राज नहीं, मेरी खूबसूरती है ही नहीं, यू आर प्रीटी वन, मेरी मेरी जिंदगी का ये राज है। मैं दस नहीं है, तुम मारे को पूछो ना, बहुत ज्यादा भी बहुत भूख भी लगी ना, ते एक चम्मच ना ट्रैक ट्रैक सालन दे चम्मच। ये गलत कह रही है, इसके चक्रों में नहीं पड़ना। मैं देख रही हूं, I eat good amount good food and मैं खुद भी बहुत खाती हूं, खाती हूं लोग अच्छा खा लेती हूं और ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन बहुत खाती हूं। अच्छा खासा खा के ये देखिए ये जो बॉडी शेमिंग है ना, ये गलत बात। हमने अच्छा खासा काने निकाल की थी, ए डाइट फॉलो करने पर वो अगु फॉलो बैक नहीं देना। नहीं 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 नहीं, मैं डाइट बिल्कुल फॉलो नहीं करती हूँ। आपको जरूरत भी नहीं है, बी प्राउड एट व्हाट यू आर। हां अल्हम्दुलिल्लाह, क्या यू आर सच अ लवली लेडी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा चले साथ-साथ हम गाने भी सुनते चलेंगे ना, अब दूसरा गाना भी हम, अब काला सूट किसे पहने, देवा सदका में तेरे काले जोड़े हां हां सो इसकी भी आपसे बस आज इनकी ख्वाहिश पूरी हो जाए, ये जो ग्रीन के अंदर ऊपर इन्होंने एक काला पहना हुआ है, इसका सदका आज तक किसी ने नहीं लिया। अच्छा ये खुद भी, नहीं नहीं मुझे लगता है ये खुद भी बड़ी मुश्किल से ही देते होंगे, ये खुद भी नहीं देता है ना, ये बल्कि कहता है किसी ने देना है तो वो मुझे। गरीब बंदे ने कोई जिंदगी नहीं, लोग हंसने, अमीर बंदे ने गड्डी ने एक्सीडेंट हो जुले आखने कोई गल नहीं, नवी आ जुलसी, ते गरीब बंदे ने 10 रुपए ने नोट गुम हो जुले ना, सुते बच्चे के उठाने, उठो तेरे थले ते नहीं आए। हाँ, लेकिन पता है सदका तो मुस्कुराहट भी है, अच्छी बात भी है। हाँ। सदका तो किसी के लिए ये तारीफ कर देना भी है, किसी के रास्ते को आसान कर देना, हम समझते हैं बट्टा ही उठाना है उसका जिंदगी का सफर, पता नहीं किस मुश्किल में आसान कर देना भी, तो ये सदके तो बंदा दे ही सकता है। ए ते किते मटा पे आवे और ए ते के सुटे ए ते मैं देना रहना, देखो मैं उन आए ते मैं कितना मुस्कुरा ही रहे हूं उस टाइम।
बस उन्होंने उसका ध्यान ना जावे इस गल पे। आज सबसे खूबसूरत मुस्कुराहट जो है वो आसमा की ही है, इसमें कोई डाउट नहीं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आपकी स्माइल का आपका स्टाइल, आप ही बहुत प्यारी है। आप मेरी तारीफ ना भी। अच्छा हमारे जो स्टेज के पीछे मैम शाजी है ना, उनकी भी स्माइल बहुत प्यारी है ना, उनकी घूरी भी बड़ी प्यारी है ना, वो तो आपको याद होगी। लेकिन चले शुरू करते हैं हम, ठीक है? और हम आते हैं देवा सदका। देवा सदका कमीज़े ओदी कालीदा, देवा सदका कमीज़े ओदी कालीदा, मेरा ढोल सोना शर्मिया पालीदा, मेरा ढोल सोना शर्मिया पालीदा। सोना लगे जड़ा नखरे दिखावे, चने जिया लगे जड़ा सामने द्वार, हाँ बड़ा सोना लगे जड़ा सामने द्वावे, चने जिया लगे जड़ा सामने द्वावे। तू है मालिक जगा दिल खालीदा, तू है मालिक जगा दिल सोना शेर मिया पालीदा। हाँ गलियों दी जाइए जदो, गलियों दी जाइए जाइए ऐसा बन के मवाली, शहरा विच शेर सुना शेर मियां वाली, शहरा विच शेर सुना शेर मियां वाली। तू है खाली, तू है आशिक जगा दिल वाली दा, तू है आशिक जगा दिल वाली दा, मेरा ढोल सोना शेर मियां वाली दा, मेरा ढोल सोना शेर। तो आपने आज जैसे कहना चाहिए ना, यू मेड हर हिज डे, ये तो खुशी से टुडे इज हिज डे, मेहरबानी बस कदे गुरूर नहीं, यू आर बिग डे और करना चाहिए। हां ऐसे गुरूर नहीं कीता ते है हाल है। हां परफॉर्मेंस तक की ना माड़ी, कैसी परफॉर्मेंस है
ਕੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ ਐ ਜਿਹੜੂ ਗਾਣਾ ਗਾਣੇ ਸਨ ਐ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋ ਜਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਕੋ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਗਾਣੇ ਉੱਪਰ ਸੋਹਣੇ ਸਟੈਪ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਸਟੈਪ ਆਨਰ ਫॉर ਮੀ ਸਰ ਅਸਾਂ ਗ੍ਰਾਈ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸਾਂ ਕੀ ਬਸ ਐ ਡਾਂਸ ਮੈਂ ਵੀ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅਸਮਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਯੂ ਆਰ ਅ ਕਰਾਊਡ ਗ੍ਰੈਬਰ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਗਾਣੇ ਕੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗਾਣਾ ਸੁਣਤੇ ਵੀ ਆ ਦੇਖਤੇ ਵੀ ਆ ऐसे तो एंटरटेन करना जो एक परफॉर्मर है जो स्टेज पे आ रहा है ना उसको स्टेज की जो सारे एलिमेंट्स है वो पूरे करने तो ये है माशाल्लाह फुल कंप्लीट पैकेज अच्छा थैंक यू व्हिच इज वेरी रेयर इन गर्ल्स अच्छा मैं चाहती हूँ पता है खुद भी मेरी एक्चुअली ख्वाहिश होती है खुद भी कि मैं स्टेज पे जाऊँ तो सिंगिंग के साथ मतलब कुछ लोग होते हैं मैंने देखा है बड़े बड़े हमारे स्टार्स हैं वो माशाल्लाह एक ही जगह खड़े होके बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं ओ इल्ले फिर गाना इल्ली जुड़ना बिल्कुल ऐसे अच्छा अभी मैं खुद भी हिल रही थी ना तो यकीन करें मेरा भी आगे पीछे गाना हो रहा था ना हाँ। तो आप फील कर रही थी है ना होता है ऐसे होता है लेकिन जब आप परफॉर्म मैं तो सही आहनी है असल में होना है ए वे के ए जाहिर है तुसी जब तू लाइव गा रहे होंदे हो तो जाहिर है आवाज इधर उधर ये बड़ी हिम्मत होनी है इस तरह गाना कुछ कोशिश ऐसी की थी वो बिस्ती होती है लेकिन ना ज्यादातर जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने बड़ी अच्छी जैमिंग की होती है क्योंकि उनका साउंड भी अपना होता है उनके म्यूजिशियंस भी अपने होते हैं ऐसे ही ऐसे एक माइक उन्होंने रखा होता है कॉन्सर्ट में जिसमें चार जुमले उन्होंने लाइव में करने हैं उसके बाद ऐसे म्यूजिक के दरमियान में ट्रैक इन होना है ना किसी को पता ही नहीं चलना कि हुआ क्या हमारे राज क्यों खोल रहे हैं और उसके बाद उन्होंने स्टेज पे इस कोने से छलांगे लगानी शुरू करनी है और उस कोने तक छलांगे ही लगाते जाना है ऐसे अच्छा नहीं पता बात दूसरी ये भी होती है कि हमारी जो ऑडियंस है ना वो एक्चुअल वो सुनना चाहती है जो वो एक्चुअल में सुन रही होती है यूट्यूब पे तो फिर ना वो लाइव को इतना एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती लेकिन अस्मा आप देखें हॉलीवुड के सिंगर्स ले लें या बॉलीवुड के सिंगर्स ले लें मुझे परफॉर्म करते हैं लाइव कॉन्सर्ट जो बंदा इतने पैसे देके आया है ना वो लाइव कॉन्सर्ट के पैसे देके आया अच्छा मैं खुद भी प्रेफर हमेशा मैं लाइव ही परफॉर्म करती हूँ और हम आपने मेरी परफॉर्मेंस देखी होगी क्योंकि हमें तो प्रैक्टिस हो जाती है माइक को हिलने नहीं देना माइक को अपने साथ स्टैंड बाय रखना है और ऑडियंस को साथ साथ ऑडियंस को लेके हाँ जी इंगेज करके मतलब ऑडियंस भी बोर ना हो हमारी हमारी परफॉर्मेंस से भी हमारे गानों से भी तो आप खुद भी अच्छा फील कर रहे होते हो ना जब तो डेफिनेटली फिर ऑडियंस भी आपकी इंजॉय कर रही होती है अगर आपको यकीन नहीं आता है तो आप इनसे पूछ लें मैं आज ऑडियंस है ना नहीं मैं भी बता सकती हूँ आपको बिकॉज जब आप परफॉर्म अभी भी कर रही हैं तो उसका मजा आता है क्योंकि आपका जो एक अंदाज और स्टाइल है वो बड़ा स्टनिंग है बड़ा जबरदस्त है किसी को फॉलो करती है मतलब स्टाइल मेरा अपना है फॉलो मेरा रोल मेरी जो रोल मॉडल है हमारी मैडम नूरजहां है मतलब उनके भी स्टाइल को कुछ आपने देखो अब साड़ी तो डेफिनेटली भाई अमेजिंग परफॉर्मर ऐसे यहां पे एक्सप्रेशन उनका आता exactly, था exactly. उनकी आंखों की ग्लेयर उनके चेहरे के तासुरात उनकी आवाज के साथ अच्छा वो हिलती भी नहीं थी और उनकी हर चीज बोलती थी मतलब उनकी आवाज एक एक लफ्ज उनका उनकी आंखों का स्टाइल मतलब ऐसा लगता था कि वो बोल मुंह से रही है लेकिन बयान आंखें कर रही है उनका मतलब इतना खूबसूरत अंदाज वाज एन एक्ट्रेस टू ना ऐसे ही चले जी पिंडी के ढोला जो है उसकी कोई थोड़ी सी तारीफ हम सुनते हैं और करते हैं हाँ वो तो मैं कहती हूँ चर्चे हैं भाई पिंडी का ढोला नहीं आपको कहीं मिलेगा पिंडी के वैसे ही बड़े चर्चे हैं जड़ा पिंडी जो ढोला है ना वो किधर भी नहीं आप यकीन करें इतनी खूबसूरती इसमें बयान की गई है ना पिंडी के लोगों की अच्छा हाँ पिंडी का ढोले की पिंडी के ढोले की और अच्छा एक और चीज मैं चाहूंगी मेरे थोड़े से बैंड की भी तारीफ करें यकीन करें जो मेरा बैंड है ना उस जैसा पूरे पाकिस्तान में कहीं बैंड नहीं है ये मेरा बैंड है ये तो मैं तारीफ कर सकती हूँ इतना पेशेंस एंड टेम्परामेंट इनका अच्छा है आर्ट तो है ही लेकिन ये मिजाज और रवैया जो है ना ये भी बड़ा कमाल क्या बात है क्या जबरदस्त इनकिसारी और आजजी और एक टेम्परामेंट बड़ा इतना सिंसियर है ना सीरियसली मतलब अपने काम के साथ इतना सिंसियर है मुझे इतनी खुशी होती है अच्छा मैं किसी और बैंड के साथ गा लूँ ना तो यकीन करें पता नहीं क्यों वो लोग या तो खुद नहीं चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो जाए लेकिन मेरा बैंड मतलब कहीं भी किसी भी आर्टिस्ट के साथ चला जाए किसी भी आर्टिस्ट के साथ बैठ जाए तो यकीन करें इन्हीं की तारीफ होती है
हालांकि इसके साथ रेलेवेंट नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना मोहब्बत के लिए कुछ दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। क्या बात, जब आपने मोहब्बत के गीत गाने हो तो ये कैसे मुमकिन है कि हर एक आपके साथ उस पे लय पे चल पड़े, आपकी लय, आपका सुर, आपका ताल अलग है, जो उससे तालमेल खाएगा वही आपके साथ आएगा। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे। तो चले पिंडे के ढोले पे चलते हैं, पिंडे के ढोले। गल दुनिया ते आम हो गई, ढोल दे दर्दा विच सानू रोंदे आशा। सारे इशारे मेरी तरफ ऐसे कर रही थी तो खुद आप पेशावर से। मैं ये सोच रही थी कि देखें आप लाहौर से पिंडी आ गए ना, तो आप पिंडी का ढोला तो आप हुई। हाँ, लेकिन मैं असल में तो मैंने सारा पॉइंट आउट ना आप ही को किया है। हाँ, लेकिन पता है इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद में जब कभी ट्रैफिक का बहुत मसला बन रहा हो ना और बहुत सारे मोटरसाइकिल वाले, आई थिंक पिंडी बॉयज। अच्छा, अभी आप क्या कहना चाह रही हैं? शर्त लग सकती है। ये आपने भी हमें बताना है जो आप लोग सारे बाहर हमें देख रहे हैं कि ये जो आर्गुमेंट चल रही है यहाँ पे कि पिंडी और इस्लामाबाद वैसे तो एक ही है, इसे जुड़वा शहर पहले सब तू पहले पिंडी से उसके बाद इस्लामाबाद एक खूबसूरत तरीन शहरों में से एक शहर है दुनिया। बिल्कुल, लेकिन पिंडी का हिस्सा ना नहीं यार, इस्लामाबाद कैपिटल है।
पिंडी पंजाब है वो ठीक है, लेकिन पिंडी देखें पिंडी तो पिंडी है ना, इस्लामाबाद और पिंडी ऐसे है, तो ये देखें क्या हो गया पार्ट ऑफ ये बस इस्लामाबाद पिंडी, ये बस लफ्जी तौर पे ऐसे है, वैसे ही वफाकी दारुल हुकूमत है वो पंजाब। ये देख ले मुझे लगता है इनको गुस्सा आ रहा है, किसकी इनका मुंह जो है ना इससे टमाटर की तरह लाल हो गया। ये असल में लालियां आई है ना, आप खाने पीने करे नाल रहने। अच्छा कहां नाल नाल अलग घर खाने पीने वाला है ना, असलदार भी भेज छोड़ने इस्लामाबाद या पिंडी 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 है हां पिंडी पिंडी है देखा डोला पिंडी दा ना भी चूड़ ना भी गिंदा उते पहले मैं टांगा चलाना रहा। अच्छा ओ माय गॉड कहां पहले टांगे चलने होने सन जर्नी के बारे में भी हमें बताए कि कैसे यहाँ तक पहुंची, इतने सारे माशाल्लाह गाने, इतनी जुबानों में गाने। हाँ अच्छा, मैंने पश्तो में भी सॉन्ग गाया है और मेरा बड़ा फेवरेट है जमाइश नाराज़ी, और बड़ा दिल से मैंने ये सॉन्ग गाया, और मैंने रहीम शाह के साथ भी मैंने तोबा तोबा सॉन्ग गाया है, और मैंने उर्दू पश्तो मिक्स गाई है, मैंने तू सनम है मेरा बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है, मतलब यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो वो मिल जाएगा। इनमें से आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मेरा सॉन्ग जो है वो फेवरेट तो देखें दो सॉन्ग है, जमाश नाराजी और तोबा तोबा, बड़ा खूबसूरत सॉन्ग है। इतनी मुश्किल हुई थी ना, मतलब ये कि मेरा जाना मेरा महबूब से तोबा तोबा नहीं नहीं ये दो अलग सॉन्ग है ये दो अलग अलग सॉन्ग है हाँ ये दो अलग अलग सॉन्ग है, जमाश नाराजी और तोबा तोबा जो है वो मैंने बताया था कि रहीम शाह के साथ है, और वो बड़ा ही खूबसूरत हमने गाया, यकीन करें मुझे तो बिलीव भी नहीं हो रहा था कि वो मैंने गाया, और हाँ मतलब बड़ा तो अगर हम अभी सुनना चाहें तो हम वो सुन सकते हैं गाना, थोड़े से मैं आपको वर्ड सुना सकती हूँ। हाँ, तो थोड़े से वर्ड्स भी बहुत काफी है, चलें। अच्छा जमाश नाराजी से या तो वो वाला तोबा तोबा जो आप सुनाना चाहें, जो आपका इनमें से फेवरेट है ना, उसके कुछ दो चार लिरिक्स सुना दो। जमाश नाराजी, जमाश नाराजी बना जदा राजी, न्याज बिना मेदा, न्याज बिना मेदा, जका में दमे दमे दा, में दमे दराजी, जका में दमे दमे दा, में दमे दराजी, जमाश नाराजी। राशा जमा पखवा के ना, राशा जमा पखवा के ना, लकस पड़े लकस पड़े लगा गलू ना, वग में वरवी वग में वरवी, जका में दमे दमे दा, में दमे दराजे, जका में दमे दमे दा, में दमे दराजे। वाह मैदे च कोई मसला है? मतलब हाँ जी। ये गाने च के मैदा मैदा मतलब अच्छा मैदे में जो है ना वो घबराहट हो रही है ना, तो वो महबूब को कह रहा है कि जल्दी जल्दी आ जा, ठंडा जा शरबत की ठंडी चीज मेरे मैदे की ठंड पहुंची। हाँ जी वो भी यही कह रहा है कि बस जल्दी से आ जाओ, तुम किसी और की बातों में ना आ जाना। ये मैदा कहाँ से आ गया बीच में, तो दिल का मामला है। ए तुसी ये गल्ला मैदे च सोच दे हो नहीं आखने में ना मैदा मैदा ते मैं हां बस मैं तो दिल से सोच रही हूं, लेकिन ये मैदे से सोच रहे हैं, ये मैदे सोच रहे, बहुत सारे लोग ऐसे खाने का मुझे लगता सोच रहे हैं। हां बहुत सारे लोग दिल होना लेफ्ट ऊपर लेकिन राइट होना ये तो मिकी पता। हां लेकिन असल च जदू ये जी बीवी मिलनी ना, हां ते फिर बंदा मैदे जरूर ही सोचना, दिल फारग होया एक्टिंग का सोचा वो वीडियो दिखा सा। अच्छा हाँ मैंने खुद भी एक्टिंग का सोचा है। अच्छा तो की क्यों नहीं? हाँ अच्छा उस टाइम मतलब जब मुझे ऑफर हुई ना उस टाइम मैंने मतलब सिंगिंग पे ही ज्यादा फोकस किया, तो
बस ये चांस निकल गया, निकलते निकलते कोरोना आ गया तो कोरोना ने फिर सब कुछ बहा के मुझे लगता है कि कहीं और फेंक दिया। लेकिन अभी भी इट्स नॉट टू लेट, यू वांट टू एक्ट, आपका दिल करता है। हाँ, मतलब मैं चाहती हूँ कि अगर कोई अच्छा मुझे एक्ट मिले तो इंशाल्लाह मैं करूँगी। हाँ, क्योंकि आपके अंदर परफॉर्मिंग नजर आती है कुछ फ्लेयर एंड टैलेंट। ये भी हमें बताएं कि कब पता चला था कि मेरी आवाज खूबसूरत है। अच्छा, और पहली तारीफ किसने की थी और क्या की थी? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सिंगिंग में आऊंगी, मैं सिंगर बनूंगी। मेरा कभी ऐसा माइंड नहीं था। मेरा था माइंड कि मैं डॉक्टर बनूंगी, मुझे था कि मैं या तो एयर होस्टेस बनूंगी। एयर होस्टेस सफ़र का बड़ा शौक था। मैं कहती थी कि यार मतलब डॉक्टर में भी घूमते रहते हो, और डॉक्टर कहाँ घूमता है बेचारा, घूमता रहता है, चलता फिरता रहता है। हाँ, लेकिन दिमाग फिर मैंने फील किया, मैंने कहा यार मतलब डॉक्टर के साथ साथ कुछ और भी एक दो ऑप्शंस हमेशा लाइफ में होने चाहिए। हाँ। फिर मैंने एयर होस्टेस का भी सोचा। फिर मैंने खैर मैं सोचा क्या और घुस मैं बैंकिंग में गई। मैंने पढ़ना था सीरियसली, मतलब तब भी मुझे फील नहीं हुआ ऐसा कि मुझे सिंगर बनना चाहिए। ये मतलब कब आके लगा, डिसाइड किया कि अब भाई अब सिंगर ही बनना है? अच्छा, मैंने तो होया कदूं ये दसो। अच्छा, मैंने ना दरमियान में ही मैंने अपने ना स्टेप लेने की कोशिश की कि मैं सिंगिंग मतलब करूं, लेकिन मेरे डैड नहीं एग्री हुए। उन्होंने कहा कि राजपूत थे ना जी। हाँ, मतलब उन्होंने कहा कि मेरे डैड ने कहा अगर इसने बच्ची ने सिंगिंग करनी है ना तो इसको कहो कि अपना बिस्तर वगैरह लेके ना, है ना, मतलब हाँ मेरा बिस्तर शिस्तर उन्हें लेके चली जाए, घर छोड़ दे ना हमारा, तो हमने नहीं करानी। तो मैं जाहिर है मैंने कहा मोम डैड से क्या बहस, मैंने कहा ठीक है भाई नहीं करनी तो नहीं करनी, मेरी कौन सा जिद है, मैं तो वैसे ही शौकिया मतलब कि चलो ठीक है। फिर उसके बाद जब मैंने मैनेजमेंट की तो मैं खुद भी आर्टिस्ट को बुक करती थी, तो जब मैं उनको देखती थी तो मैं कहती थी यार मैं भी हो मतलब, सकती हूँ उसकी जगह। हाँ, मतलब उसकी जगह मैं भी हो सकती हूँ। अच्छा, मुझे जो हमारे होते थे ना क्लाइंट्स, अच्छा वो मुझे खुद कहते होते थे, देखें अल्लाह ताला माफ़ करे हमारे आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो मुझे कहते होते थे कि आसमा इनसे प्यारी तो आपकी आवाज़ थी, आप हमसे पैसे ले लेती मैडम तो आप खुद क्यों नहीं गाती हैं, प्यारी भी हैं इसी तरह से, मतलब जैसे आपको पता है आजकल दुनिया वैसे भी तारीफ कर देती है ना, वैसे नहीं करती किसी की तारीफ, नहीं वैसे भी कर देती है लड़की सामने होना सिंगर बने का दो बन गई ना, मैं बता रही हूँ ना कि अभी देखें इतना मुश्किल जो एक लम्हा था ना, मुखालफत ने बावजूद वो सिंगर बनी गए। मैं तुसा की गल दसा, डॉक्टर ते सिंगर एक ही चीज है, तो को डॉक्टर दवाई नाल इलाज करना, सिंगर गाने नाल इलाज करना होता दिल का ही, तो को नूर जान ने गाने उस टाइम जो आपका दिल की सर्जरी गाने नाल कर दी फिर आए थे करो किस तरीके नाल बाईपास इसी कर दे, चार गाने सुनाओ जी इन्हें दे और दिमाग दा का इलाज करना है, तो के मुझे लगता है इनका दिल अभी ठीक हो गया है। हां, नहीं दिमाग ठीक कर रहे थे, को दो गाने सुनाए था कि इसका दिमाग है ना। नहीं नहीं बड़ा मजा है पिंडी वाले गाने, माड़ा दिल बिल्कुल सेट करी छोड़ा। चलिए आपको एक और सुना रहे हैं, काला चश्मा तेरा ते। हाँ जी, काला चश्मा ते, बुरे बुरे वाल, बुरे बुरे वाल, ये भी अपने लिए गाया है मेरा ख्याल है। नहीं नहीं ये तो आप पे सूट करता है, नहीं आप पे सूट करता मेरा भी बुरे बाल हैं, आपके भी बुरे बाल हैं, बस हम दोनों के लिए है, आपके तो काले हैं। मैं बस तू ले गई काला चश्मा सेल्फी काला चश्मा ते भूरे भूरे वाल सोने
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਕਰੀ ਗਿੱਛੇ ਹੋ। ਅੱਲਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਚੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਕਰੀ ਗਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਚਸ਼ਮਾ ਕਿੱਧਰ ਸੇ ਲਿਆ ਵਸੇ? ਹੈ ਜੀ, ਚਸ਼ਮਾ ਕਿੱਧਰ ਸੇ ਲਿਆ? ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਸਪਾਂਸਰ ਹੋਇਆ। ਕਹਾਂ ਸੇ ਹੋਇਆ? ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਚਸ਼ਮਾ ਹੋ। ਹਾਂ ਵੀ ਕਹੇ ਦੋ ਇਧਰ ਵਾਪਸ। ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਅੱਛੀ ਸੀ हीरो की आपने एज गुजार दी है और वो अचानक से एक्सीडेंट के बाद एक नया चेहरा 10 साल बाद आता है। सर जी, तो मैं भी यही कह रही हूं। क्लियर करके बता दिया ना आपने, जरा उसको सॉफ्टली बताया सीधा डायरेक्टली। मेरा इंग्लिश फेस है ना, इंग्लिश। अच्छा, सारे मलयाले हमने ये इंग्लिश फिल्म में काम कर, इंग्लिश फिल्म में समझ ही ना आवे ना, सी तकिए ते ना सन समझ। कौन से गांव के हैं वो? अच्छा जी, ना पिंडी ना शहर लाहौर दा। ये क्या, ये भी एक गाना है? हाँ, ये भी गाना। ये ढोला ना पिंडी दा ना शहर लाहौर दा। देखिए, मैंने ढोले को कहीं भी नहीं छोड़ा, आप देख रही हैं। मैंने ना ये जो मियां वाली, मुल्तान, लाहौर, पिंडी, मतलब मैंने सस्पेंस में डाल दिया है, कहीं भी लोग ढूंढते रहे बस किसके लिए है, है ना। चले आए जी, पिंडी दा ना लाहौर दा सुनाए। आइए, ओह।
आसमा कहाँ से आ गई इस गाने में? अच्छा आसमा तो थी ना। हाँ, आसमा तो गा रही थी, बाकी गानों में नहीं थी, तो ये गाना खुद हाँ, लिखा या इसमें आसमा को फिट किया? नहीं नहीं नहीं, इसमें ना खिजर ने लिखा था सारा रोला खिजर दी तोड़दा है, तो खिजर नहीं है। आपका नाम उसमें मेरा नाम भी फिक्स कर दिया। हाँ, मेरी मतलब ख्वाहिश थी कि मतलब आसमा का भी नाम आए। बिल्कुल सही। आपने तो शादी नहीं करनी ना अभी? नहीं अभी नहीं। ये इरादा है या कोई अच्छा बंदा मिल गया तो हो भी सकती है? देखिए मेरा बिलीव है कि हर चीज़ का एक टाइम मुकर्रर होता है, वजह से मुझे तो पता नहीं था कि मैं सिंगर बन जाऊंगी, तो हर चीज़ का जो रब की मर्जी है, तो अगर तो अल्लाह पाक ने लिखा हुआ इसी साल के अंदर, तो डेफिनेटली मैं उसे रोक नहीं सकती। मैंने सिर्फ रब पे ही छोड़ा हुआ, वक्त पे है, मतलब कि अगर टाइम मेरा है तो हो जाए तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। और परफॉर्मेंसेस एंड सिंगिंग में मज़ीद क्या करने का? अच्छा मैंने ये सोचा है कि अगर मेरी शादी हो भी जाती है तो मैं चाहूँगी कि जो मेरे हस्बैंड होंगे या जो मेरे ससुराल होंगे, तो मैं उनसे कहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि मतलब मुझे सिंगिंग का शौक है। अच्छा मुझे शौक है, अब तो मेरा पैशन है ना सिंगिंग, मतलब आपने देखा ना परफॉर्मेंस के दौरान मैं परफॉर्म जो कर रही होती हूँ, परफॉर्मर प्रॉपर परफॉर्मर बन के मैं सिंग कर रही होती हूँ, तो ये मेरा पैशन है। अब मेरा पैशन सिर्फ सिंगिंग है। अच्छा आसमा सारे हल्ले गुल्ले वाले गाने बनाए हैं, बहुत ज्यादा शोर शराबा हल्ला गुल्ला गाना है ना, परफॉर्म करना पसंद है इस तरह के गाने ज्यादा, लोग सुनना चाहते हैं? हाँ मतलब मेरा जो स्टाइल है वो भी थोड़ा सा भंगड़ा स्टाइल है, हिप हॉप रॉक स्टाइल है, तो इसलिए फिर मैं कोशिश करती हूँ कि जरा नाचती गाती नजर आऊं, लेकिन यकीन करें ये मुझे आज रुला के छोड़ेंगी। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। आज अब हम आपसे जो गाना सुनने जा रहे हैं ना, ये मलका तरन्नुम नूरजहां साहिबा का बहुत खूबसूरत सॉन्ग जिसकी हम आपसे फरमाइश कर रहे हैं, मैं ते मेरा दिलबर जानी। ठीक है तो आए। आया है तूफान।
थैंक यू वेरी मच आसमा, इतने खूबसूरत शो के लिए, वक्त निकालने के लिए, आने के लिए, इतनी मजेदार बातों के लिए। आई एंजॉयड लॉट, थैंक यू सो मच। सेम हियर, थैंक यू। और आपका भी शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में इसी तरह हंसते मुस्कुराते मुलाकात होगी, और उस वक्त तक के लिए वीकेंड एट ग्लोबल से मुझे इजाजत दीजिए, मेरी पूरी टीम के समेत अल्लाह हाफिज़।